हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 अलग अलग कैटेगरीज में 36 अलग अलग हैमर्स के बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है टाइप्स ऑफ मेटल वर्क हैमर्स। इसके अंदर में पहला हैमर आता है रेजिंग हैमर। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बॉल्स, वेसेस और अदर हॉलो शेप शीट मेटल को कॉनकेव और सिलिंड्रिकल शेप में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के हैमर का दोनों जो हेड होता है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। नेक्स्ट है फॉर्मिंग हैमर। अब इस तरह के हैमर को बॉल्स और अदर कर्व शेप के मेटल्स के इनसाइड सरफेस को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इस तरह के हैमर का जो फेस होता है वो स्लाइटली डोम्ड इन शेप होता है। और यह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मिंग हैमर है, इसका जो शेप है वो जो हम लोग मटेरियल में इसको हैमर्ड करना है उसके शेप के साथ मैच करता है। इस कैटेगरी के अंदर में जो अगला हैमर है वो है प्लानिशिंग हैमर। अब इस तरह के हैमर का फेस बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड होता है, ठीक है, उसमें मिरर की तरह वो दिखाई देता है। और ये क्या करता है कि इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि रेजिंग हैमर और फॉर्मिंग हैमर जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसमें जो खुरदरापन वगैरह होता है तो उसको हटाने के लिए इस हैमर का यूज़ किया जाता है। अब इस हैमर का फेस राउंड और स्क्वायर हो सकता है विद अ स्लाइट कर्व और फ्लैट फेसेस। नेक्स्ट है क्रीजिंग हैमर। अब इस तरह के हैमर को मेटल डिस्क के ऊपर में क्रीज बनाने के लिए किया जाता है जो कि रेजिंग प्रोसेस टेक्निक का पहला स्टेप होता है। अब जो हम लोग मेटल डिस्क के ऊपर में क्रीज बनाते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के मेटल को आसानी से बेंड या शेप कर सकते हैं, हॉलो और कर्वेचर प्रॉपरली और मोर एक्यूरेट। अब इस तरह के हैमर का जो फेस होता है, जब हम लोग इस तरह के हैमर में चीक से लेकर फेस की तरफ बढ़ेंगे तो वो नैरो कम होता जाता है। नेक्स्ट है एम्बॉसिंग हैमर। अब इसकी बात करते हैं तो ये देखने में फॉर्मिंग हैमर की तरह ही दिखाई देते हैं और इनको यूज़ किया जाता है मेटल के ऊपर में पीछे से स्ट्राइक करके रेज जोन बनाने के लिए। नेक्स्ट हैमर है चेजिंग हैमर। तो इस तरह के हैमर को जनरली स्मॉल मेटल वर्कपीस में यूज़ किया जाता है उसको अलग अलग शेप में चेंज करने के लिए। इस तरह के हैमर का एक फेस जो होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और जो दूसरे फेस का होता है वो डोम फेस और बॉल एंड के टाइप का होता है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। इस कैटेगरी के अंदर में जो नेक्स्ट हैमर है वो है रिविटिंग हैमर। और इस तरह के हैमर को रिविट्स वर्क वगैरह के यूज़ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ्स हैमर। और जैसा कि हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, इस तरह के हैमर को ज्वेलरी शॉप में अलग अलग तरह के ज्वेलरी को बनाने के लिए किया जाता है। इस कैटेगरी के अंदर में जो आखिरी हैमर है वो है क्रॉस एंड स्ट्रेट पिन हैमर। अब इस तरह के हैमर को जनरली लोहार के दुकान में यूज किया जाता है रॉट आयरन और स्टील को अलग अलग वैल्यू एडेड टूल और प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोहार के दुकान में इस तरह के हैमर का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ हैमर्स के अंदर में जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कारपेंट्री हैमर्स के बारे में। और इसके अंदर में जो पहला हैमर आता है वो है क्लॉ हैमर। अब ये ट्रेडिशनल नेल हैमर होता है और ये वाइडली कारपेंट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। आप सबने इस तरह के हैमर को अपने घर में देखा होगा और इसे यूज़ भी किया होगा कील वगैरह को ठोकने के लिए और कील को निकालने के लिए। और ये बहुत सारे टूल बैग्स में भी इस तरह के हैमर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है ट्रिम हैमर। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है कि जो सरफेस होता है किसी भी वर्कपीस का उसको नाइस फिनिश एंड मोर डेलिकेटेड फिनिश देने के लिए इस तरह के हैमर का यूज़ किया जाता है। और ये जो ट्रेडिशनल क्लॉ और नेल हैमर के मुकाबले में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस ट्रिम हैमर को। अब ये क्या होता है कि ये कॉम्पैक्ट होते हैं और उनका वेट भी कम होता है जिसकी वजह से हम लोग इसे ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं। इस कैटेगरी के अंदर में जो अगला हैमर है वो है फ्रेमिंग हैमर। अब ये देखने में इस कैटेगरी का जो पहला हैमर था क्लॉ हैमर उसके तरह ही दिखाई देता है, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी अंदर है जो कि आसानी से देखा जा सकता है। इस तरह का हैमर का जो एक फेस होता है उसमें कुछ पैटर्न डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि जब इसको यूज़ करके हम कील वगैरह को ठोके तो उसमें ग्रिप बने, वो फिसले नहीं। और जो अदर एंड होता है उसका फेस जो होता है वो होता है बिट स्ट्रेट होता है रादर देन कर्व टू सेपरेट मटेरियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैमर्स के अंदर में जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेसन्स एंड ब्रिक लेयर्स हैमर्स के बारे में।
इसके अंदर में जो पहला हैमर आता है वो होता है जियोलॉजिस्ट रॉक हैमर। इस तरह के हैमर का यूज जियोलॉजिस्ट एंड पैलियोनोटोलॉजिस्ट करते हैं हैमरिंग प्रोसेस के थ्रू फॉसिल्स को डिग आउट करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिक हैमर। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस तरह के हैमर को मेसनरी या फिर जो स्टोन पत्थर वगैरह होते हैं उसको तोड़ने के लिए किया जाता है और इसे हम लोग स्टोन मेसन्स हैमर भी कहते हैं। अब जो इस तरह के हैमर का जो फ्लैट फेस है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, उसका यूज़ करके हम लोग स्टोन को ब्रेक करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं। और जो चिजल शेप का फेस है, उसका यूज़ करके हम लोग जो मटेरियल के सरफेस के ऊपर से अनइवन चिप्स वगैरह जो होते टुकड़े उसको हटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्लब हैमर। अब इस तरह के हैमर को लंप हैमर भी कहते हैं और ये स्लेज हैमर का स्मॉलर वर्जन होता है और इस तरह के हैमर को मेसनरी और स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए किया जाता है। इस कैटेगरी के अंदर में जो अगला हैमर है वो है पाइटन हैमर। आपने रॉक क्लाइंबिंग हैमर्स के बारे में सुना होगा, यानी जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं वो हैमर का यूज़ करके रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, तो ये वो हैमर होते हैं पाइटन हैमर जिसका यूज़ रॉक क्लाइंबिंग करने वाले यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्कच हैमर। अब स्कच हैमर को वाइडली कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स को काटने के लिए या फिर उसको चिजल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हो इमेज में कि ये दो तरीके से अवेलेबल होते हैं, एक होता है सिंगल एंडेड और दूसरा होता है डबल एंडेड। तो जो सिंगल एंडेड स्कच हैमर होता है उसमें सिर्फ एक ग्रूव होता है टू होल्ड द कटिंग अटैचमेंट्स व्हाइल अदर एंड इज अ फ्लैट फेस टू हैमर। और जो स्कच हैमर के अंदर में अगला जो आता है डबल एंडेड स्कच हैमर, उसके अंदर में दोनों साइड पे ग्रूव होते हैं, ठीक है, ताकि वो कटिंग अटैचमेंट को होल्ड कर सके। नेक्स्ट है पुशिंग हैमर। अब ये हैमर स्टोन और मेसनरी इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इस तरह के हैमर का जो फेस होता है उसमें जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और जिस तरह के हैमर को यूज़ करके जब हम मेटल के ऊपर मारते हैं, किसी चीज़ के ऊपर मारते हैं, तो ये जिग जैग शेप है वो उसके ऊपर में प्रिंट हो जाता है जिससे उसे अट्रैक्टिव लुक और फिर टेक्सचराइज लुक मिलता है। नेक्स्ट हैमर है हमारे पास, वो है स्लेज हैमर। अब इस तरह के हैमर को हैमर इंडस्ट्री का बिग फिश भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका जो हेड होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो ज़्यादातर स्टील का बना हुआ होता है। हैंडल भी बाकी के हैमर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इस तरह के हैमर को रॉक, ब्रिक्स, कंक्रीट और अदर ब्रिटल मटेरियल वगैरह को तोड़ने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ हैमर्स की अगली कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूफिंग इंडस्ट्री हैमर्स। और इसके अंदर में पहला आता है रूफर हैमर। अब इस तरह के हैमर को जब हम लोग फॉल सीलिंग वगैरह करते हैं उस टाइम पे वुडन स्लॉट को रूफ से अटैच करने के लिए किया जाता है और इस तरह के हैमर के मिडिल में या फिर चीक पे हम लोग बोल सकते हैं ग्रूव बना होता है ताकि उसके हेल्प से हम लोग नेल्स वगैरह को निकाल सके। और इस कैटेगरी का जो सेकेंड हैमर है वो है टेनर्स हैमर। और इस तरह के हैमर को मेटल रूफिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है रिवेट्स को रूफ के ऊपर में हैमर करने के लिए। दीज हैव सम वाट बिवेल्ड स्क्वायर फ्लैट हेड एंड अ चिजल फेस और समटाइम्स राउंडेड क्रॉस पिन हेड ऑन द अदर साइड टू स्प्रेड द रिवेट हेड। टाइप्स ऑफ हैमर्स की अगली कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैमर्स में, जिसके अंदर पहला आता है इलेक्ट्रिशियन हैमर, ठीक है। अब ये देखने में समहाउ क्लॉ हैमर की तरह ही दिखा देता है लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और इसका हैंडल जो होता है वो फाइबर ग्लास का बना होता है ताकि जब इलेक्ट्रिशियन इस हैमर की हेल्प से वर्क करे तो उन्हें शॉक और वाइब्रेशन वगैरह नहीं लगे। अब जो इसका इस हैमर का जो क्लॉ फेस होता है उसको यूज़ किया जाता है नेल्स को रिमूव करने के लिए और फ्लैट फेस को यूज़ किया जाता है मटेरियल वगैरह में नेल को हैमर करने के लिए। नेक्स्ट हैमर है लाइंस मैन हैमर। अब ये बहुत ही पॉलिश्ड हैमर होते हैं और इनका जो हैंडल है वो वेल डिज़ाइंड फाइबर ग्लास का बना होता है शॉक और वाइब्रेशन वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए जब इसे नेल्स, बोल्ट्स और हैमरिंग वगैरह का प्रोसेस को किया जाता हो इस हैमर से। अब ये इन हैमर में डबल राउंडेड फेस हेड होता है और इसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 5 अलग अलग कैटेगरीज में टोटल 28 अलग अलग हैमर्स के बारे में बताया। बाकी बचे हुए 13 हैमर्स को मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो के हेल्प से आप अलग अलग टाइप के हैमर्स के बारे में जान गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। और इसके अलावा वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस चैनल में आगे किस तरह के वीडियोस चाहते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय।